हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रेगनेंसी का जो समय होता है उसमें महिलाओं को भूख लगना और भूख ना लगना दोनों ही चीजें हो जाती हैं। सभी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है और सभी के जो लक्षण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कुछ महिलाओं को तो दोस्तों बहुत ज्यादा भूख लगती है और कुछ को भूख बहुत कम लगती है। इसके पीछे का क्या कारण होता है और क्या ये सही है या गलत, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी चीज के बारे में बात करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में भूख का कम लगना। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी की जो तीन तिमाही होती है उनमें जो पहली तिमाही होती है उसमें भूख लगना काफी हद तक कम हो जाता है। वो होता है आपकी मॉर्निंग सिकनेस के कारण। मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो भूख लगती है वो थोड़ी सी कम लगती है, या मैं कहूँ काफी कम भी लग सकती है। ऐसे में कुछ जो महिलाएं होती हैं बहुत अधिक परेशान हो जाती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, मैं जो खाती हूँ वो निकल जाता है, बच्चे को पोषक तत्व कैसे मिलेंगे, बच्चे का विकास कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज के बारे में चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। डॉक्टर इसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, प्रोटीन देती है, आयरन देती है, फॉलिक एसिड देती है, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ में कभी भी कोई भी कमी ना आए। और उल्टी रोकने की वो दवाइयां भी देती हैं, जिससे कि मॉर्निंग सिकनेस जो आपको बहुत अधिक हो रही है, आपको मॉर्निंग में उठते ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उसमें भी आपको काफी हद तक आराम मिलता है। तो पहली तिमाही में दोस्तों इस वजह से आपको भूख नहीं लगती है। दूसरी तिमाही में भी कुछ महिलाओं को भूख नहीं लगती है, उसका कारण होता है कि पाचन तंत्र की जो समस्याएं होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, जिसके कारण दूसरी तिमाही में भी भूख नहीं लगती है। कुछ महिलाओं को तीसरी तिमाही में भूख नहीं लगती है, उसका कारण होता है आपके बच्चे का विकास। आपके बच्चे का जो विकास हो रहा होता है दोस्तों बहुत तेजी से हो रहा होता है, जिसके कारण जो आपके पेट में बच्चे का साइज बड़ा होता है, जो आपके ऑर्गन्स है अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हट जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पेट पर दबाव पड़ता है और आपको भूख कम लगने लगती है। तो ये कुछ बेसिक कारण होते हैं भूख के कम लगने के। और कुछ जो महिलाएं होती हैं उनकी भूख खुद ही कम होती है कि वो खाना ज्यादा नहीं खा पाती हैं, उसके कारण भी उनको काफी हद तक भूख कम लगती है। अब बात आती है कि अगर आपको भूख कम लग रही है तो ये तो आपके बच्चे के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है कि आपके बच्चे को भरपूर पोषण ना मिले, क्योंकि शुरुआत में डॉक्टर्स की जो दवाइयां होती है आपके बच्चे के लिए भरपूर होती हैं, लेकिन दूसरी से तीसरी तिमाही में आपके बच्चे की जो ग्रोथ होती है काफी हद तक काफी तेजी से होती है, तो इसमें आपको बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएं या कुछ भी खाएं, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाइए। आप एकदम से अगर ज्यादा खा लेते हैं तो उसकी आपको वॉमिट हो जाती है, तो आप कोशिश कीजिए आप छोटे छोटी मात्रा में, अगर आप दिन में 3 से 4 बार खा रहे हैं तो आप 5 से 6 बार खाइए, 7 बार खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए, जिससे कि वो आपको अच्छे से हजम हो सके। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। इतना पानी आपके लिए सफिशियंट है, बस आप इतना ही पानी पिए, इससे ज्यादा पानी ना पिए। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो भी आपके पेट पर दबाव बन जाता है, उसकी आपको वॉमिट हो जाती है और उसके कारण आपको भूख भी नहीं लगती है। तो 8 से 10 गिलास एक दिन में पानी पीना सफिशियंट होता है। इसके अलावा जब भी आप भोजन करें तो अपने डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करें कि जो आप थोड़ा भी खाएं वो आपके बच्चे के लिए काफी अच्छा हो। जैसे कि अपने डाइट में आप फ्रूट्स जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा आप दूध पीजिए, आप प्रोटीन और कैल्शियम युक्त भोजन पे बहुत अधिक ध्यान दीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप किशमिश और बादाम को भिगोकर लीजिए। कुछ ऐसी चीजें अपने डाइट में शामिल कीजिए जिससे कि आपके बच्चे को पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में मिल सके। पनीर जरूर खाइए, पनीर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अच्छा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पनीर के बहुत सारे फायदे हैं, इसका भी मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो पनीर आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, ये भी बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप फ्रूट्स हमेशा खाते रहिए और लेट नाइट खाना बिल्कुल भी मत खाइए। अगर आपको भूख बहुत ज्यादा कम लगती है तो आप थोड़ा सा लेट नाइट खाने से भी बचे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपको एसिडिटी या बदहजमी की समस्या हो जाती है, जिसके कारण आपको मॉर्निंग सिकनेस में जो वॉमिट होती है वो होती ही है, वो नहीं रुकती है। अगर आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में उल्टी की समस्या ना हो। तो इन चीजों का आप बहुत अधिक ध्यान रखिए।
ये तो बात हुई प्रेगनेंसी के दौरान भूख कम लगना। अब बात कर लेते हैं अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान भूख बहुत ज्यादा लग रही है। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान भूख ज्यादा लगना भी बहुत ही कॉमन है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है। तो भूख ज्यादा लगने से दोस्तों क्या होता है कि पहली तिमाही के बाद से ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या नहीं है तो वो जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं उसके थोड़े समय बाद से उनको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सा खाती रहूं, पूरा दिन मैं खाती रहूं। तो दोस्तों इसके पीछे ये हार्मोनल चेंजेस ही कारण है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा और दूसरा कारण होता है कि दूसरी तिमाही से आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होने लगती है। आपका बच्चा अच्छी स्पीड में बड़ा होने लगता है, वेट गेन बच्चा करता है, बच्चे का डेवलपमेंट तेजी से हो जाता है, जिसके कारण आपको भूख ज्यादा लगने लगती है। लेकिन दोस्तों भूख बहुत ज्यादा लगना भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि बार बार खाते रहने और बहुत ज्यादा खाते रहने से आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और आपका वेट अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफी हद तक घट जाएंगे। तो आप अपने डाइट पे कंट्रोल रखिए, आप कोई भी ऐसा खाना मत खाइए जो आपके लिए नुकसानदायक हो। अब बात आती है भूख लग रही है तो खाना क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको हमेशा हेल्दी डाइट खानी है, आपको प्रोटीन और कैल्शियम युक्त भोजन करना है, पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है, घर का बना हुआ ही खाना खाएं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना खाएं। ऐसा भोजन अवॉइड करें जिसे देखकर आपको क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा खाने का मन करता है, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो शुगर युक्त और बहुत सारे प्रोडक्ट हो। इन चीजों को दोस्तों आपको अवॉइड करना है, ये सब चीजें आपको नहीं खानी है, ये आपके लिए काफी हद तक नुकसानदायक है। क्योंकि हैवी चीजें, फास्ट फूड, डायबिटिक चीजें, ये सभी आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, आपके बच्चे के विकास में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप फल खाइए, आप एप्पल खा सकते हैं, आप ऐसी ऐसी चीजें खाइए जो आपके बच्चे के लिए फायदेमंद हो। थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में खाइए, लेकिन अच्छा खाइए। ऐसा खाना खाइए जिससे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो, ऐसा खाना बिल्कुल भी मत खाइए जिसे खाने से आपके बच्चे को अच्छे से विकास भी ना मिल सके। तो दोस्तों ये कुछ कारण है, ये कुछ रीजन है आपके प्रेगनेंसी के दौरान भूख ज्यादा भूख कम लगने के। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।